अस्सलाम वालेकुम। कॉइल ट्यूबिंग इक्विपमेंट वीडियो सीरीज़ में आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ पावर पैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि पावर पैक है क्या। जैसा कि हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, कॉइल ट्यूबिंग इज़ कम्पोज ऑफ 6 to 7 मेजर कम्पोनेंट्स एंड पावर पैक इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कम्पोनेंट अमंग दीज 6 to 7 कम्पोनेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास कॉइल ट्यूबिंग यूनिट है। तो इसके ये जो 6 मेजर कंपोनेंट है उसमें से जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या है, पावर पैक। पावर पैक को हम एक और नाम से भी जो है वो कॉल करते हैं और वो नाम है प्राइम मूवर। समटाइम हम पावर पैक बोल देते हैं, दूसरा हम इसको क्या बोल देते हैं, प्राइम मूवर। सो जिस तरह से इसका नाम रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर पैक यानी कि पावर को पैक किया हुआ है, ठीक है। तो पावर पैक का जो फंक्शन है बेसिकली क्या है, हाइड्रोलिक पावर और न्यूमेटिक पावर को प्रोड्यूस करना, ठीक है। फिर ये जो हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक पावर है ये ट्रांसमिट की जाती है कॉइल ट्यूबिंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स को, सो दैट दे कुड परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस। आप देख लें कि तकरीबन 90% जो वर्किंग है कॉइल ट्यूबिंग यूनिट की वो हाइड्रोलिक पावर पर बेस कर रही होती है और बाकी जो 10% वर्किंग है वो न्यूमेटिक पावर पर जो है वो बेस कर रही होती है। सो अगर हम आप कॉइल ट्यूबिंग इक्विपमेंट में एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि हाइड्रोलिक्स का जो नॉलेज है वो बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है, क्योंकि 90% जो कॉइल ट्यूबिंग यूनिट की वर्किंग है वो किस पे बेस कर रही होती है, हाइड्रोलिक पावर के ऊपर। पावर पैक को अंडरस्टैंड करने के लिए या पावर पैक के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, पावर पैक की वर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको जो है वो 3 हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। पहले से हम क्या कह देते हैं, पावर जनरेशन सिस्टम। सेकंड को क्या बोल देते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम। और थर्ड को हम क्या बोल देते हैं, न्यूमेटिक सिस्टम। अब देखते हैं कि पावर जनरेशन सिस्टम से क्या मुराद है। पावर जनरेशन सिस्टम बेसिकली एक डीजल इंजन है जिसमें क्या होता है, डीजल जो है वो कंबस्ट हो रहा होता है, डीजल की जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही होती है मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्लाई व्हील में। इंजन जो है वो यूनिट टू यूनिट वेरी कर सकते हैं, इट मे बी डिट्रॉयड और इट मे बी कैटरपिलर, ठीक है। सो पावर जनरेशन सिस्टम से क्या मुराद है, हमारी जो डीजल इंजन है जिसमें डीजल जो है वो डीजल की कंबस्शन हो रही होती है और आगे वो उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है, जो कि हर इंजन का एक प्राइमरी फंक्शन होता है। अब हम देखते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम को। जैसा कि हम लोग पहले बता चुके हैं कि हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो कोर है पावर पैक का, क्योंकि कॉइल ट्यूबिंग यूनिट का 90% जो फंक्शनैलिटी है वो डिपेंड कर रही होती है हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर। तो हमने पीछे देख लिया कि जो इंजन है वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा डीजल को कंबस्ट करके। अब जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको आगे हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो फिनोमेना है वो किस में हो रहा होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर। सो हाइड्रोलिक सिस्टम का फंक्शन क्या है, हाइड्रोलिक एनर्जी को प्रोड्यूस करना और फिर इसको ट्रांसमिट करना डिफरेंट कंपोनेंट्स तक, ताकि वो अपना रिस्पेक्टिव फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकें। यहाँ पर अगेन वही बात, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्लाई व्हील यानी कि जो मैकेनिक इंजन मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जो कि फ्लाई व्हील की फॉर्म में होगी, और फ्लाई व्हील आगे ट्रांसमिट करेगा अपनी मैकेनिकल एनर्जी की इसको 4 हाइड्रोलिक पंप्स को थ्रू गियर बॉक्स, और फिर ये हाइड्रोलिक पंप्स जो हैं वो हाइड्रोलिक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। और ये जो हाइड्रोलिक एनर्जी है ये आगे ट्रांसमिट होगी डिफरेंट कंपोनेंट्स तक, होसेस और वाल्व्स के थ्रू। अब हम थोड़ा सा पिक्चर की मदद से जो है उसको समझ लेते हैं जो हमने अभी डिवीजन की है। ये हमारे पास से कंप्लीट पावर पैक है। तो इसका जो पहला हमने सिस्टम पढ़ा वो हमने कहा पावर जनरेशन सिस्टम, यानी कि हमने इंजन की बात की। तो ये हमारे पास इंजन है, इंजन की जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कन्वर्ट होगी इस प्लेट के बैक साइड पर जो है वो हाइड्रोलिक पंप्स लगे होते हैं, ठीक है। तो वो हाइड्रोलिक पंप्स इंजन की मैकेनिकल एनर्जी को लेंगे और आगे हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और वो हाइड्रोलिक एनर्जी जो इन होजेस के थ्रू जो है वो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स तक जो है वो ट्रांसफ़र होगी। ये हमारे पास पावर पैक है। इसको हम ज़रा मज़ीद जो है वो इन साइड से देखते हैं। तो अगर हम इसका करीब से व्यू देखें तो ये हमारे पास क्या है, इंजन है पावर पैक का। ये इस तरफ इंजन हो गया, यहाँ तक जो है फ्लाई व्हील की एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी। ये जो है वो गियर बॉक्स है, तो जो मैकेनिकल एनर्जी थी फ्लाई व्हील की इंजन ने प्रोड्यूस की वो इस गियर बॉक्स के थ्रू
इन फोर हाइड्रोलिक पंप्स, ये जो हम हाइड्रोलिक पंप्स हैं इनको हम फर्दर डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। बस टाइमिंग आप ये देख लें, कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड कर लें कि ये जो हाइड्रोलिक गियर बॉक्स है ये आगे इन चार पंप्स को ड्राइव देगा, और ये जो पंप्स हैं ये हाइड्रोलिक एनर्जी यानी कि हाइड्रोलिक ऑयल को आगे उसकी एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, उसमें पावर जनरेट करेंगे। सो आई होप कि आप तक आपको ये समझ लग गया होगा। बैक साइड पर इंजन, इंजन ने मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस की, ये मैकेनिकल एनर्जी गियर बॉक्स के थ्रू फोर हाइड्रोलिक पंप्स को मिली, और फिर इन फोर हाइड्रोलिक पंप्स ने हाइड्रोलिक एनर्जी प्रोड्यूस की, और वो एनर्जी आगे जो है वो होजेस के थ्रू मुख्तलिफ कंपोनेंट्स तक जो है वो ट्रांसमिट कर दी जाती है। इस तरह से जो है वो इसकी वर्किंग हो रही होती है। अब हम देख लेते हैं कि हाइड्रोलिक सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम का जो पहला कंपोनेंट होता है वो हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है यानी हाइड्रोलिक ऑयल होता है। दूसरा हाइड्रोलिक फ्लूइड रिजर्वायर जिसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड को स्टोर किया होता है। तीसरा होता है फिल्टर्स एंड स्ट्रेनर्स, ऑयल को जो है वो साफ रखने के लिए फिल्टर्स और स्ट्रेनर लगाए होते हैं। फिर हाइड्रोलिक पंप्स, एक्यूमुलेटर, हीट एक्सचेंजर और हाइड्रोलिक सर्किट। टाइमिंग जस्ट आप जो है इन कंपोनेंट्स के नाम को जो है वो अपने जहन में रख लें। इनकी जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है वर्किंग है वो हम सेपरेट जब हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर बात करेंगे उस वक्त इसको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। यूजेज ऑफ हाइड्रोलिक पावर, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि 90% वर्किंग किस पर डिपेंड कर रही होती है, हाइड्रोलिक पावर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। सो हाइड्रोलिक पावर किस किस फंक्शन के लिए यूज़ होती है? रील को ड्राइव देने के लिए, हमारी रील जो है वो फॉरवर्ड मूव करे, बैकवर्ड मूव करे, रील के ऊपर जो लेवल वाइंड असेंबली है, कोई भी जो फंक्शन रील का हो रहा है वो मैक्सिमम किस पर डिपेंड कर रहा है? हाइड्रोलिक पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कॉइल डूमिंग इंजेक्टर फंक्शन, इंजेक्टर की रनिंग इन, इंजेक्टर का पुलिंग आउट, इंजेक्टर की चेन्स के फंक्शन, ये सारे के सारे किस पर डिपेंड कर रहे हैं? इंजेक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। बीओपी के फंक्शन, बीओपी को अपने ऑपरेट करना है, किसी कॉइल डूमिंग पाइप को होल्ड करना है, कट करना है, कोई भी जो बीओपी का फंक्शन होगा, ब्लोआउट प्रिवेंटर का फंक्शन होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा? हाइड्रोलिक पावर के ऊपर डिपेंड करेगा, हाइड्रोलिक पावर से ऑपरेट होगा। न्यूमेटिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम से मुराद यह है कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई प्रेशर एयर। स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि पावर पैक दो पावर जनरेट कर रहा होता है, एक हाइड्रोलिक और दूसरी न्यूमेटिक। न्यूमेटिक पावर से क्या मुराद है? हाई प्रेशर एयर। हाई प्रेशर एयर किस लिए यूज़ होती है? एमरजेंसी किल करने के लिए। अगर आप इंजन को एमरजेंसी किल करना चाह रहे हैं तो इंजन की एमरजेंसी किल के लिए एयर यूज़ होती है। थ्रॉटल फंक्शन के लिए, फ्यूल की कंबस्टन के लिए जो कि इंजन के अंदर हो रही होती है, और फिर उसके बाद स्ट्रिपर का जो फंक्शन है वो न्यूमेटिक पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। सो ये था जो आज का हमारा लेक्चर था, अब हम इसको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? व्हाट इज पावर पैक इन कॉइल डूमिंग यूनिट। देन हमने फंक्शन जो है पावर पैक के डिस्कस किए। फिर हमने देखा कि पावर पैक की स्ट्रक्चर या वर्किंग को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पहला पावर जनरेशन सिस्टम, दूसरा हाइड्रोलिक सिस्टम, तीसरा न्यूमेटिक सिस्टम। फिर हमने हाइड्रोलिक सिस्टम के कंपोनेंट्स को देखा और हाइड्रोलिक पावर के क्या क्या यूजेज हैं कॉइल डूमिंग यूनिट के अंदर। फिर हम लोगों ने देखा कि न्यूमेटिक पावर के क्या क्या यूजेज हैं कॉइल डूमिंग यूनिट के अंदर। ये था हमारा आज का टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंट्रोल कैबिन। कंट्रोल कैबिन को हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको जो आज का टॉपिक था पावर पैक वो आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो देख के कुछ फ़ायदा हुआ हो तो आप इसको जो है वो लाइक करें, चैनल हमारे को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरे दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।